की गोदी सुनी है, कभी मेरी सुनी है, अरे माँ की गोदी सुनी है, कभी मेरी सुनी है, अरे गोरखपुर की गलियां सुनी है, कभी मेरी सुनी है, अरे गोरखपुर की गलियां सुनी है, कभी मेरी सुनी है, हत्यारा होगी मुर्दाबाद, 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 अरे बच्चों का हत्यारा मोदी मुर्दाबाद, सर किसी शायर ने कहा है, अफसोस नहीं उन गुलों पर जो खिलकर मुरझा गए, अफसोस तो है उन गुलों पर जो बिना खिले ही मुरझा गए। सर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांड हुआ, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शेर काश उनके कानों तक पहुंचता, और इसमें उनके भी बच्चे होते, जब उन्हें ये पता चलता कि ये महीना कैसा महीना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना स्वतंत्रता हमारे जो है ये जमहूरियत का महीना है, लड़ाई का महीना था कि हमने किस तरह से आज़ादी हासिल की है, तो वही आज़ादी हमें इनसे भी हासिल करनी पड़ेगी। लड़कर ये ऐसे बेरहमी लोग हो गए, मैं इनसे पूछना चाहते हैं हम सब लोग कि जब बरसात का महीना आता है उससे पहले नाले नालियों की सफाई की जाती है, क्यों की जाती है? कि पानी ना भर जाए, बीमारी ना फैले। लेकिन जब इन्हें अगर ये खुद कहते हैं कि अगस्त का महीना बीमारी का महीना है, तो उस बीमारी के महीने से कौन बचाएगा, कौन उसकी तैयारी करेगा, कौन हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन मेडिसिन या डॉक्टरों का इंतजाम कराएगा, ये जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की। डॉक्टर साहब, इस तरीके की घटना आपको कितनी बार देखने का मौका मिला है? जब भी देखो शर्म की बात है, लेकिन अभी जो देखा है उसका कोई मिसाल नहीं है। और ये घटना जब होता है तो कोई पिछले की मिसाल दे के कहे तो वो हुकूमत की शर्मनाकी की बात है। और जब शर्मनाक जिसके अंदर शर्म न हो वो हुकूमत का हकदार नहीं है। ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए, और उन्हें कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें सज़ा दिलानी चाहिए। उनकी जगह, उन लोगों की जगह काली कोठरी है, कोठी है जिसमें जेल की काली कोठरी जो होती है उसमें रखना चाहिए। वरना इस तरह से वो चलेंगे और ये कह करके कि भाई ऐसा मौत होता है, अरे भाई ये महीना इनकलाबी महीना है, ये महीना हमने मुल्क छोड़ने का नारा दिया, हमने आज़ादी हासिल की, हमने आज़ादी के बाद दस्तूर हासिल किया, कॉन्स्टिट्यूशन हासिल किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी कहा गया। अब जो ये कहते हैं संकल्प करो, किस चीज़ का संकल्प? यानी इस तमाम चीज़ों को हटाने के लिए संकल्प करें। इस संकल्प के साथ हम मुल्क को बनाने की बात करेंगे? ये एक रंग को कलर बनाना चाहते हैं, एक ही फूल को हर चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इस हुकूमत और योगी और मोदी, इन लोगों को अपनी जगह को शर्म के साथ यानी रिज़ाइन करना चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि आज भी हमारे मुल्क में शर्म हया बाकी है और लोगों के अंदर कम अज़ कम एथिकल वैल्यूज़ ज़िंदा है। जिसके पास ये एथिकल वैल्यूज़ ना ज़िंदा हो उसको रहने का हक नहीं।
शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं इस घटना का मुआवजा करता हूँ पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक में बच्चे मारे गए थे उससे। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को उन्हें अपनाते हुए कबूल करते हुए उनको त्यागपत्र देना चाहिए या उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। दर हकीकत बात यह है कि दोनों हुकूमत चाहे वो सेंटर की हो स्टेट की हो वो दोनों के दोनों हत्यारे हैं। वो गुजरात के सानहा उनके जिम्मे हैं, इन्होंने यूपी का सानहा अपने जिम्मे कर लिया है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये आतंकवादियों की सरकार है, इनके कान पर जू नहीं रहेंगी जब तक कि इस मुल्क का आवाम उठ करके सड़कों पर नहीं आएगा। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज उन गरीब लोगों के बच्चे थे, कल को हमारे और तुम्हारे बच्चे होंगे। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं और इसको हम आखिर तक लड़ेंगे। इसको हम इसके कंक्लूजन तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको इस लड़ाई को लेके जाएंगे। सर, इस कैंडल मार्च के आगे आपकी क्या अगली योजना रहेगी जो ये बच्चों के साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांड हुआ? नहीं, सड़कों पर तो हम उतर ही चुके हैं। सड़कों पर और तादाद में और जगह लोग उतर रहे हैं। हर गांव में उतरेंगे, हर शहर में ऑलरेडी उतर चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे मार्चेस हो रहे हैं। हम लोग पीसफुल लोग हैं। सत्ता का चेंज 1919 में हम आपको करके दिखाएंगे। एक शायर ने से कहा था, मैंने सर से पूछा था कि अफसोस नहीं उन गुलों पर जो खिल कर मुरझा गए, अफसोस तो है उन गुलों पर जो बिना खिले ही मुरझा गए। तो सर, उनके जो माँ बाप की जो इस समय दयनीय स्थिति है वो आप महसूस कर सकते हैं? मैं ईसाई हूँ, ईसाई लोग कब्रों के ऊपर कैंडल जलाते हैं जी। इबादत में, दुख में और उम्मीद में, तीनों चीज़ें। दुख में क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम भी गरीब लोग हैं। यहाँ पे कोई करोड़पति जंतर मंतर में नहीं आता है, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, सताए हुए लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं। जो कांड हुआ है उसने पूरे देश के दिल को झंझोड़ दिया है। लाल किले से कल प्रधानमंत्री बोले, क्या बच्चों के बारे में एक आंसू उनका गिरा? उनकी टोपी का तीर जमीन तक था, इतना लंबा था, मुर्गे की कलगी की तरह। एक उन्होंने एक शब्द बोला, इतनी गिनतियां उन्होंने गिनाई। ये 60-70-80 बच्चों की लाशों की गिनती सुनाई क्या? साफ है उनका दिल हैं, जिसमें कि हमारी पुरानी सरकार रह चुकी है, अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। इतना होने के ऊपर मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ, पर अफसोस है कि उन लोगों को क्या पीड़ होगी कि जिनके पीछे ना तो कोई रोने वाला है, ना कोई पूछने वाला, क्योंकि ना तो योगी जी के पीछे कोई बीवी बच्चे हैं और ना ही प्रधानमंत्री जी के पीछे। क्योंकि जब उनकी बीवी है तो उन्होंने लाल किले से जब लेक्चर दिया तब तो उनको बीवी याद आ गई, इलेक्शन था तब तो बीवी याद आ गई। आज वो बीवी कहाँ है हम पूछना चाहते हैं। उनको क्यों दर्द होगा? क्योंकि उनके पास ना तो बच्चे, उन्होंने कभी गोदी में अपने बच्चे को खिलाया नहीं है। हमने अपने बच्चे खोए हैं, हमें मालूम है कि हमने अपने बच्चे खोए, तो हमें दर्द है। हिंदुस्तान की जनता को दर्द है क्योंकि उनके पास बच्चे हैं, गरीबों के पास बच्चे। आज अमीरों के बच्चों के लिए क्यों नहीं ये महीना आता, मैं पूछना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से भी। और मैं जितने भी देश के अपने आप को बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, आज इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि डोरिस फ्रांसिस पूछती है कि आप जवाब दीजिए भरी के अंदर कि अमीरों के बच्चों के लिए ये महीना क्यों नहीं आता है? ये आजादी का महीना, वो खून का महीना था जिन्होंने खून बहाया था शहीदों ने, ये उनका महीना है, ना कि हमारे बीमारियों से मरने का, जूझने का बच्चों के लिए महीना है। स्वस्थ भारत चलाया है, कहाँ है स्वस्थ भारत? आप देखिए यूपी में जाके गौ माता का चला रखा है, आज वो अपने आप को गौ माता के दानी बनते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि गौ माता, उनकी गौ माता बाहरों बिछड़ रही है, जंगलों में जा रही है, नालों में पड़ी है। जब उनको गौ माता नजर नहीं आता, एक मुसलमान अगर अपनी गाँव लेके जाता है तो उनको वो गायें नजर आती है, वो उनकी माताएं नजर आती हैं। शर्म करें इन चीज़ों पे राजनीति ना करके, बच्चों का जो भविष्य है उनके ऊपर दिखाएं। और पढ़ाई लिखाई का जो कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, तो उसके ऊपर जरा ज़्यादा रोशनी डालें। मेरे यही इस माध्यम से जय हिंद जय भारत। मिलन जी, क्या कारण था, क्या कमी थी कि जो ये इस तरीके के जो ये घटना हुई? ये कमी जो है ये पूरे प्रशासन की कमी है, जो कि उन्होंने उसका गैस सिलेंडर वाले का, ऑक्सीजन वाले का जो
बिल था वो नहीं दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा, अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि ये क्या गरीबों का महीना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमीरों के जो हॉस्पिटल हैं, जितने भी फाइव स्टार टाइप के हॉस्पिटल हैं, उनमें कभी भी गैस ख़त्म नहीं होती, तो सरकारी हॉस्पिटलों में ही क्यों? क्या मौत सिर्फ गरीबों के ही हिस्से में आती है? और अभी मैं आपके जितने भी मीडिया है उसके माध्यम से ये भी देख रहा था कि कुछ सीएम और कुछ पीएम वगैरह ये बयान दे रहे थे कि अगस्त के महीने में मौतें होती हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी मरे अगस्त के महीने में? जब वो छोटे बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, तो मोदी जी क्यों नहीं मरे और योगी जी क्यों नहीं मरे? ऐसे आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग, वो लोग क्यों नहीं मरे जो आज हम लोगों पर तांडव कर रहे हैं? और हमारे समाज पूरे भारतवर्ष में जो ये इस तरीके की वाहियात हरकतें कर रहे हैं, ये उनके लिए शर्मनाक है और ये पूरा देश उनकी निंदा करता है इस बात के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि होश में आ जाओ, अगर ये भारतवर्ष अगर एक हो करके उठ गया तो दांत इतने तोड़ेगा कि खाने लायक रोटी भी नहीं बचेगी। दांत ऐसे तोड़ेगा कि खाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज गोरखपुर का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में एटलीस्ट यशोदा बहन है ना, बहुत खुश होंगी जो मोदी जी की वाइफ हैं, कि वो कभी माँ नहीं बन पाई, कभी वो माँ नहीं बन पाई इस मोदी से, अदरवाइज काश उनके बच्चे भी ऐसे तड़प तड़प के मर रहे होते। तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना कि वो यशोदा बहन गुजरात में बैठी हुई बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझ रही होगी कि वो कभी मोदी से माँ नहीं बन पाई, अन्यथा कभी होती तो शायद उनके भी बच्चे ऐसे ही मर रहे होते। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की बात है? और मोदी के लिए इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात नहीं है कि आज जो हो रहा है इस देश में वो कितनी बुरी बात है। शुक्र मनाओ कि यशोदा बहन कितनी नसीब वाली है कि कभी वो माँ नहीं बन पाई, अदरवाइज आज उसके बच्चे भी शायद गोरखपुर में किसी ना किसी के है ना ऑक्सीजन के लिए वो भी बेचारे मर रहे होते हैं। सर आपने बताया कि यशोदा बहन कितनी खुश हो रही होगी, लेकिन आज जो एक लड़की है वो उसकी इच्छा होती है कि मैं माँ बनूँ, तो आप कह रहे हो खुश हो रही होगी? सर ये हर कोई कोशिश कर रही होगी कि माँ बनूँ, मेरी शादी हो, पर कोई भी लड़की आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं होगी जो बोलेगी कि मेरा पति मोदी जैसा हो, जो मुझे छोड़ के चल जाए, बिना बताए मुझे तलाक दे दे, बिना बताए मुझे है ना एक लावारिस की तरह छोड़ के चल जाए। ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो ये कहे कि मुझे पति मोदी जैसा मिले या मुझे पति योगी जैसा मिले। माँ की गोदिया सुनी है, मोदी योगी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। मोदी योगी होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माँ की गोदिया सुनी है, योगी मोदी खूनी है। माँ की मन में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये कोई इसको ना किसी जातवाद से मिलाइए आप लोग, ना किसी मज़हब से मिलाइए, बल्कि किसी पॉलिटिक्स से भी नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि इंसानियत आपकी क्या कहती है। इस वक्त हम अगर देखें तो हमारी इंसानियत को देखते हुए हम ये समझेंगे कि इस कारण की वजह से पूरी दुनिया में इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मोदी सरकार जब से हमारे मोदी जी पीएम बने हैं, जब से अपने मुल्क में तो कम रहते हैं लेकिन विदेश में ज़्यादा रहते हैं, तो अगर हम देखें विदेश के लोगों के ऊपर और उनकी कंट्री में कि अगर कोई भी इस किस्म का कारण या कोई छोटी मोटी भी दुर्घटना हो जाती है तो जो भी उसके ज़िम्मेदार लोग होते हैं पब्लिक की डिमांड के बगैर ही वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। पब्लिक को ना तो मैदान में आना पड़ता है, ना पब्लिक को अपने लिए लड़ना पड़ता है।
वो खुद ही मुस्तफ़ी हो जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। तो मोदी जी ने अगर देश में जाने के बाद इन चीज़ों से नहीं कुछ सीखा है तो समझिए कि वो फिर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त उनको फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को मान लेना चाहिए, ना कि ये कि हम पब्लिक डिमांड करें उनके मुस्तफ़ी होने का। उनको खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, योगी जी को भी और मोदी जी को भी फौरी तौर पर।